नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चेयरमैन कृपाल सिंह अरोड़ा की ओर से विश्वकर्मा मंदिर संस्था रामबाग रोड के सदस्यों और पदाधिकारियों की विशेष बैठक हुई। कॉम्प्लेक्स अम्बाला छावनी में बुलाई गई। इस अवसर पर प्रधान राजीव शर्मा को दिए गए कारण बताओ नोटिस पर विचार विमर्श किया गया। राजीव शर्मा की ओर से 15 दिन की निश्चित अवधि में कोई जवाब न देने के कारण सभी सदस्यों और पदाधिकारियों की ओर से कार्यकारिणी को फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। सभी की सर्वसम्मति से राजीव शर्मा को प्रधान के पद से हटाया गया और दर्शन लाल दुआ और घनश्याम दास पूर्व पार्षद के अनुमोदन पर सतपाल ढल को अपनी सभी सदस्यों की सहमति से संस्था का नया प्रधान चुना गया। बैठक में ये प्रस्ताव भी पास किया गया है कि पूर्व प्रधान राजीव शर्मा से संस्था के सारे कागजात और लेखा जोखा मांगा जाए ताकि नव निर्वाचित प्रधान की ओर से संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस फैसले पर और कार्यक्रम की प्रतिलिपि सभी संबंधित अधिकारियों और रजिस्ट्रार सोसाइटीज को भेज दी गई है। इस अवसर पर चेयरमैन कृपाल सिंह अरोड़ा, दर्शन लाल दुआ, महासचिव के अलावा अन्य सदस्य मेवा सिंह, रामचंद्र, मास्टर जगदीश, राजेंद्र, विनय बाबा, के ए सूरी, आर पी मित्तल, एच एल चावरिया, चंचल सिंह और सोमनाथ केशर उपस्थित रहे। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। 26/2022 को जो रामबाग मंदिर कमेटी की आज एक मीटिंग हुई है उसमें हमने सतपाल ढल को प्रधान बनाया है सर्वसम्मति से ताकि शर्मा मंदिर का, क्योंकि जो पहले राजीव शर्मा प्रधान था उसने आज तक कोई लेखा जोखा भी नहीं दिया और ना ही कोई साफ साफ दिया है। इसलिए आज हमने एक फैसला लिया है कि सतपाल ढल जी को प्रधान बनाकर शर्मा मंदिर का और उनके साथ वो हमें सबको हम उनको सारे इकट्ठे होकर एक दूसरे के सहयोग से जो भी मंदिर का रुका निर्माण है इसका पूरा करवाएंगे। इसलिए आज हमने मिलकर 26 सदस्यों ने ये फैसला लिया है कि सतपाल ढल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और सबको साथ लेकर चलेगा। हम उसके साथ चलेंगे सब मिलजुल कर और जो भी कार्य है वो हम इसको पूर्ण रूप से करवाएंगे। धन्यवाद। हमें आज बात की खुशी है, आज हमारी कार्यकर्मी ने खुश हो गए विश्वकर्मा मंदिर के सारे सदस्य यहाँ मौजूद थे, पुराने सदस्य साथ बहुत थे और आज हमने जो पहला प्रधान था वो हमारे काम करने से ना ही करता था, काम करने उसे सिर्फ लालच किया, रुचि नहीं थी उसमें और सारा। इसलिए हमारी संस्था ने उनको, हमारे सदस्यों ने उसको नोटिस दिया 15 दिन का, उसने हमारे नोटिस को इनकोर कर दिया, भाई मैं इनको नहीं मानता। आज हमारी संस्था ने सारे मिलके यहाँ पे सारे पुराने सदस्य नए सदस्य जो भी थे सारों ने आज श्री ढल जी को अपना नियुक्त प्रधान नियुक्त करके चेयरमैन की अध्यक्षता में और जनरल सेक्रेटरी इसमें अध्यक्षता में उनको प्रधान नियुक्त किया गया। हमें इस बात की खुशी है जो हमारा काम रुका हुआ मंदिर का है, आज हमारी संस्था ने ये कहा कि ढल साहब, हमें पूरी उम्मीद है कि ढल साहब ये मंदिर को आगे ले जाएंगे और सारा काम बड़े तरीके से हिसाब से करवाएंगे और हम इनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है जी, और मैं इन सभी पुराने मेंबरों का जो है धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे जो है 2024 तक की जिम्मेवारी दी है और मैं इनसे पूरा खड़ा उतरा हूँ। जो भी ये कहेंगे मैं उनके साथ। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।